आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे बेल स्लिप्स डिज़ाइन बनाना। ये आजकल बहुत लेटेस्ट में चल रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए चाहिए आपको एक स्क्वायर शेप का कपड़ा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं स्क्वायर शेप में कटिंग करके रखी हूँ। इसका चौड़ाई मैं रखी हूँ 21 इंच, चौड़ाई लंबाई दोनों में सेम रखी हूँ। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इसके लिए आपको चाहिए 1.25 मीटर कपड़ा। जैसे बेल अगर आप लंबा में रखेंगे तो 1.25 मीटर चाहिए, अगर आप छोटा रखेंगे तो 0.5 मीटर में हो जाएगा। और ऐसे आपको दो कटिंग करके रख लेना है दोनों स्लीव्स का। तो यहाँ देखिए, मैं कपड़े को डबल करके रख रही हूँ। देखिए इस टाइप से ऐसे आपको डबल करना है, और फिर से यहाँ से हम उठाएंगे और फिर डबल कर देंगे। देखिए कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। और अच्छे से आपको चेक कर लेना है, देखिए कि कहीं से कपड़ा मुड़ा ना रहे। अच्छे से आप 4 फोल्ड कर लीजिएगा जैसे मैं की। अब इसे हम पिन से अटैच कर देंगे ताकि कहीं से आगे पीछे ना हो। तो देखिए इस टाइप से मैं अटैच कर दी। तो देखिए 3 पार्ट से हमारा खुला है और 1 पार्ट से हमारा बंद है। तो बंद साइड से ही आपको स्टार्ट करना है नाप लेना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ 10.5 इंच लेंथ रखी हूँ। कोने से आपको लेना है, यहाँ 10.5 इंच में लेंथ रखी हूँ। जैसे आपको अगर कम लंबाई पसंद है तो कम लंबाई में अभी ले सकते हैं, जैसे कि 9 इंच 8 इंच आप रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोने से आपको इंची टेप को इसी तरह से बढ़ाना है और निशान लगाते जाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। और ध्यान से आप लगाइएगा, कहीं से निशान आगे पीछे ना हो, एक जैसा निशान होना चाहिए। फिर निशान को आपको इस टाइप से मिला देना है जैसे मैं मिलाई, देखिए। अब ये पिन को हम थोड़ा पीछे कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हम कटिंग करेंगे, इसीलिए देखिए। और अच्छे से आपको राउंड लगाना है, कहीं से आगे पीछे ना हो, नहीं तो फिर सिलाई करने में आपको दिक्कत आएगी। फिर इसे हम कटिंग कर लेंगे, देखिए। तो यहाँ मैं कटिंग कर ली। अब इस पिन को हम निकाल लेंगे। पहले हम यहाँ 20 सेंटर का निशान लगाएंगे, देखिए। इस टाइप से मैं निशान लगा दी, यहाँ से पता रहेगा कि ये हमारा 20 सेंटर है। अब हम पिन को निकाल देंगे, फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम फिर निशान लगाएंगे, देखिए निशान को डार्क कर लेंगे, ये 20 सेंटर है। फिर आपको पिन से अटैच कर लेना है। अब देखिए आपको ब्लाउज़ को उठाना है और ब्लाउज़ का आर्म होल का नाप लेना है। देखिए पहले आप ब्लाउज़ को सीधे से रख लीजिएगा और साइड फिटिंग पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आपको इस तरह से नाप लेना है। देखिए इंची टेप घुमाते हुए, देखिए ऐसे उंगली को रखते जाना, ऐसे घुमाते जाना, इंची टेप को नाप लेना है। तो ये हमारा हो रहा 8 इंच। तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि कई ब्लाउज़ में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जितना आपका होगा उतना आप ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ हमारा 20 सेंटर है, तो 20 सेंटर से एक साइड से हम लेंगे उसका आधा, जैसे कि 4 इंच। तो 4 इंच में निशान लगा दी, तो जितना आपका होगा उतना आप आधा ही लीजिएगा इस तरह से नापते हुए, ठीक है। फिर आपको फिर 20 सेंटर निकालना है, तो जैसे कि 2 इंच हो गया तो 2 इंच में निशान लगा दी। फिर यहाँ से मैं 2.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ ऊपर, इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। फिर इस टाइप से गोल शेप कर दीजिएगा, देखिए गुलाई में करते हुए। और फिर आपको इंची टेप को उठाना है और फिर गुलाई में घुमाते हुए आपको नाप लेना है, जैसे कि 8 इंच आर्म होल था, तो 8 इंच यहाँ हो रहा है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ भी हमारा 8 इंच हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। तो जैसे कि कपड़ा कटिंग हो जाता है उसके बाद कपड़ा फैल जाता है, तो थोड़ा सा आप कम ही रखिएगा, जैसे मैं रखी। ये कटिंग हो जाता है तो फिर जोड़ने के टाइम ऑलरेडी ये फैल जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ मैं कटिंग कर ली। अब यहाँ से पहले हम 20 सेंटर निकालेंगे, देखिए। तो इधर से हमारा नीचे तरफ जॉइंट हो जाएगा आर्म होल में और ये हमारा ऊपर साइड रहेगा। अब आपको ब्लाउज़ को उठाना है, देखिए, और ब्लाउज़ को सीधा रखना है
देखिए कुछ इस टाइप से, और ऐसे स्लिप्स को आपको उठा करके और यहाँ निशान मिलाते हुए रखना है। देखिए ऐसे हम उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे हम डाल देंगे। देखिए तो ये निशान को हम बीच शोल्डर जहाँ हमारा जॉइंट है वहाँ से मिलाते हुए हम अटैच करेंगे। देखिए पूरे में इसी तरह आपको अटैच कर लेना है। यहाँ देखिए मैं पूरे में अटैच कर ली, इसी तरह से आप कर लीजिएगा। और देखिए जब यहाँ सिलाई लगेगा तो और ये जब सीधा होगा देखिए इसका लुक बहुत सुंदर आएगा। तो देखिए ये मैं आपको पहले समझाने के लिए बताई, पहले आप यहाँ समझ लीजिए। देखिए पहले आपको चारों तरफ गुलाई में आपको सिलाई लगाना है, आप चाहो तो सिलाई लगाओ नहीं तो फिर आप पीको भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिलाई लगाऊंगी और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जो लोग शुरू से सीखते हैं उनसे गुलाई में सिलाई सही से नहीं हो पाती है, तो किस टाइप से आप लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक पॉइंट आपको कपड़े को फोल्ड करना है और सिंगल कपड़े को आपको फोल्ड करना है, एक ही बार आप डबल नहीं कीजिएगा। अगर आप एक बार डबल करेंगे तो सही से गुलाई नहीं घुमा पाएंगे। पहले आपको सिंगल एक पॉइंट पूरे में फोल्ड करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। और देखिए बहुत लोग सही से फोल्ड भी नहीं कर पाते हैं, बार बार मशीन कपड़े पर से उतर जाता है। तो देखिए कैसे आपको करना है वो देखिए, आप तीन उंगली आपको रखना है इस टाइप से। देखिए एक आगे एक बीच में एक पीछे, देखिए इस टाइप से आपको तीन जगह उंगली को रखना है। देखिए गुलाई घुमाते हुए ऐसे करके और हल्का कपड़े को खींचना है देखिए, और सिलाई लगाते जाना है। और जैसे लास्ट तक आप आइएगा उसके बाद मशीन को नहीं स्टॉप करना है, मशीन को पहले ही स्टॉप कर दीजिएगा, एक इंच दूराई में ही स्टॉप करना है। फिर इस तरह से उंगली को रख करके और एक पॉइंट कपड़े को फोल्ड करके फिर इस टाइप से सिलाई लगाते जाना है और पूरे में आप इसी तरह से लगा लीजिएगा। देखिए ध्यान से आप लगाइएगा तो आपसे बहुत अच्छा लग जाएगा। पहले हम सिंगल पूरे में लगाएंगे, उसके बाद हम फिर से हम दोबारा डबल करके लगाएंगे। देखिएगा किस टाइप से हम लगाएंगे, पूरा आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा इसी तरह से पहले आपको कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं पूरे गुलाई में सिलाई लगा ली, आप देख सकते हैं पूरे में लगा ली, इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। फिर देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से आप छोड़े थे वहीं से आपको स्टार्ट करना है। फिर एक पॉइंट आपको कपड़े को फोल्ड करना है, फिर पूरे में सिलाई लगाते जाना है। इससे देखिए सिलाई लगाने में ईजी होगी और आपसे बहुत अच्छा लग जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं पूरे में फिर दोबारा सिलाई लगा ली और कितना सुंदर ये सिलाई लग गया। इसी तरह से आप लगा लीजिएगा, अब जैसे मैं आपको बताई थी अटैच करना उसी तरह से आप सेम अटैच कर लीजिएगा। देखिए ब्लाउज़ को आपको सीधा रखना है और स्लीव्स को भी आपको सीधा रखना है, सीधे तरफ से रख के फिर इसके ऊपर आपको पलट देना है और फिर पूरे पिन से अटैच कर देना है जैसे मैं आपको पहले बताई थी। अब यहाँ से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, पिन को निकालते जाना और पूरे में आपको सिलाई लगाते जाना है। देखिए कुछ इस टाइप से ध्यान से लगाइएगा ताकि कहीं मुड़े ना, आराम आराम से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपसे लग जाएगा। देखिए मिलाते जाना है और पिन को निकालते जाना और सिलाई लगाते जाना है।
तो देखिए मैं इसे जोड़ ली, इसी तरह से आप कर लीजिएगा। और सेम आइडिया से आपको दूसरा स्लीव्स भी जोड़ लेना है, जैसे मैं बताई सेम आइडिया से आपको दूसरा भी कर लेना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है, ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। और देखिए इसका बैक साइड में वी शेप बनाई हूँ और फ्रंट साइड भी मैं वी शेप बनाई हूँ, देखिए। तो जैसे अगर आपको वी शेप ब्लाउज़ बनाना है तो मेरे चैनल में आप देखिए और मैं कमेंट में लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।